हेलो ऑल स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने डेमोक्रेटिक के बारे में बताया था, जो कि उत्तर औपनिवेशिक राज्य लोकतांत्रिक था। आज हम लोग सर्वाधिकारवादी, जो कि आपका उत्तर औपनिवेशिक राज्य का ही एक रूप है, ठीक है। तो सर्वाधिकारवादी मेनली जो है, हम इसको सत्तावादी भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सत्तावादी भी कहते हैं। तो सर्वाधिकारवादी या सत्तावादी एक ही होगा, समझ में आ रही है बात। तो हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था कि जो उत्तर औपनिवेशिक राज्य थे, यानी कि कॉलोनियलिज्म के बाद जो राज्य बने, जो न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज हुए, वो या तो डेमोक्रेटिक मूल्यों को अपनाया या फिर ऑथोरिटेरियन मूल्यों को अपनाया। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो डेमोक्रेटिक मूल्य रखे थे, लेकिन प्रैक्टिस में जो है वो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट चला रहे थे, ठीक है। तो अब हम लोग जो है सो सर्वाधिकारवादी शासन को देखेंगे। सर्वाधिकारवादी शासन मेनली है क्या, एक जिस्ट हम लोग दिमाग में पहले समझ लें। सर्वाधिकारवादी में जो है वो आपका कुछ अभिजात वर्ग, मतलब कुछ जो ऊंचे वर्ग के लोग हैं, या जो क्या कहते हैं पहुंच गए हैं शासन सत्ता तक, वही लोगों का वर्चस्व रहेगा पूरे शासन पद्धति पर। सत्तावादी शासन मतलब क्या, कि सत्ता जो है वो कुछ लोगों के हाथ में होगी, कुछ पावरफुल लोगों के हाथ में होगी। या फिर इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि जो आपका स्टालिन था या फिर हिटलर था, जो कि एक एक आदमी जो था वो पूरी की पूरी सत्ता को चलाता था, उसको कहते हैं सत्तावादी, सर्वाधिकारवादी, ठीक है। तो जो भी इंडिपेंडेंट हुए कॉलोनीज से, या तो वो डेमोक्रेटिक मूल्य को अपनाएं या तो फिर ऑथोरिटेरियन मूल्य को अपनाएं। सभी के दिमाग में क्लियर हो गया ये बात, दिमाग में बैठाइएगा। 3 से 4 बार वीडियो देखिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, जिस्ट याद हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान भाषा में मैं नोट्स बनाता हूँ, बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। आप कहाँ से हैं, किस कॉलेज कॉलेज से बिलोंग करते हैं, आप किस कॉलेज से हम इस वीडियो को देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए मेरे वीडियोज़ को, और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। तो मैं इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता हूँ भूमिका। और भी जिस टॉपिक पर आपको नोट्स चाहिए होगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज से हैं, और आपको किस चीज़ का नोट्स चाहिए। नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन भूमिका। उत्तर औपनिवेशिक राज्य शब्द नए राष्ट्र राज्यों पर लागू होते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में उपनिवेशवाद की प्रक्रिया से बाहर निकले थे। कभी कभी इन राष्ट्रों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक और शब्द विकासात्मक राज्य है। उत्तर औपनिवेशिक राज्य ने अपने राजनीतिक गठन में औपनिवेशिक राज्य के कई विशेषताओं का प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए, ब्रिटिश संसदीय मॉडल को भारत जैसे कई पूर्वी ब्रिटिश उपनिवेशों ने अपनाया है, ठीक है। जो आपका ब्रिटिश का मॉडल था, संसदीय मॉडल था, उसको बहुत सारे कंट्री जो वहाँ से उपनिवेश से आज़ाद हुए हैं, जो ब्रिटिश कॉलोनी से आज़ाद हुए हैं, उन्होंने उस चीज़ों को अपनाया अपने राष्ट्र में भी, उसमें से भारत का भी नाम है। उत्तर औपनिवेशिक राज्य को दो अलग-अलग तरीकों से चित्रित किया गया है। पहला इसके राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ में, और दूसरा इसकी बुनियादी क्षमता के संदर्भ में। अधिकांश उत्तर औपनिवेशिक राज्य एक अहस्तक्षेपवादी दृष्टिकोण से शुरू हुए हैं। राजनीतिक निर्णयों को लागू करने की क्षमता के आधार पर उत्तर औपनिवेशिक राज्य को मजबूत या कमजोर के रूप में चित्रित किया गया है। मतलब उस देश की सरकार, उस देश का जो शासन शासक है, वो किस तरीके का राजनीतिक निर्णय ले पाता है, उसके आधार पर तय होता है कि उपनिवेशवाद से निकलने के बाद वो राष्ट्र कमजोर होगा या मजबूत होगा। चाहे उस राष्ट्र में राजनीतिक बुनियादी ढांचा मौजूद हो,
हो या नहीं हो, यह एक मजबूत राज्य को केवल निरंकुश राज्य से अलग करेगा। राज्य की क्षमता निश्चित रूप से राज्य के लिए उपलब्ध आर्थिक संसाधनों से जुड़ी हुई है, लेकिन एक ओर राजनीतिक कार्यपालिका और नौकरशाही है और दूसरी ओर राज्य और नागरिक समाज के बीच विकसित संबंधों से भी जुड़ी हुई है। उत्तर औपनिवेशिक राज्य की कमजोर क्षमता राजनीतिक हिंसा के स्तरों से जुड़ी हुई है। वैश्वीकरण के तहत उत्तर औपनिवेशिक राज्य नए चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। राज्यों को वैश्वीकरण का लाभ उठाने के लिए खुद को पुनर्स्थापित करना होगा। और वैश्विक पूंजी को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा करना होगा। राजनीतिक शासन के विभिन्न रूपों की शुरुआत 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में यूनानी दार्शनिक अरस्तु के साथ हुई थी। उन्होंने तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्णन करने का प्रयास किया था। उन्होंने लोकतंत्र, कुलीन तंत्र और अत्याचार को गढ़ा था। आधुनिक राष्ट्र राज्यों के संदर्भ में काम कर रहे तुलनात्मक राजनीतिक सिद्धांतकार आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्णन करने के लिए इन शब्दों का उपयोग करना जारी रखा। समसामयिक राजनीतिक प्रशासन को मोटे तौर पर लोकतांत्रिक और सत्तावादी में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण की घटनाओं की प्रतिक्रिया थी। 20वीं शताब्दी में ऐतिहासिक महत्व वाले स्टालिनवादी रूस का उदय, फांसीवादी इटली और स्पेन और नाजी जर्मनी नाजी जर्मनी इनका उदय हुआ था। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये आपका एक ही टॉपिक है, डेमोक्रेटिक और आपका ऑथोरिटेरियन। कभी क्वेश्चन आपका ऑथोरिटेरियन से पूछता है, कभी आपका डेमोक्रेटिक से पूछता है, तो इसलिए दोनों टॉपिक का जो आपका इंट्रोडक्शन है और आपका जो कॉन्क्लूज़न है, ये दोनों सेम रहेगा। अंदर का मटेरियल जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग सत्तावादी शासन की प्रकृति देखते हैं, नेचर ऑफ ऑथोरिटेरियन रिजिम। इसमें लोकतांत्रिक और सत्तावादी शासनों को दोनों संदर्भ में प्रतिष्ठित किया जा सकता है, एक उनके उद्देश्य और दूसरा उनके प्राप्त करने के साधन। सत्तावादी शासन तय करते हैं कि क्या व्यक्तियों के लिए अच्छा है। शासक अभिजात वर्ग अपने मूल्यों को समाज पर थोपता है। जैसा कि मैंने बताया, अभिजात वर्ग मतलब कुछ जो ऊपर के लोग जो शासन कर रहे हैं, वो अपने मूल्यों को जो है वो सब पर थोपते हैं। इसके सदस्यों की इच्छा के बावजूद सत्तावादी सरकार के एक रूप को संदर्भित करता है जो अयोग्य, आज्ञाकारिता, अनुरूपता और जबरदस्ती पर जोर देता है। यह संक्षेप में लोकतंत्र की अस्वीकृति करता है। जब शक्ति सहमति पर आधारित हो, स्वेच्छा से सम्मान हो और जनता द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तब ये वैध और बाध्यकारी हो जाता है और इसे प्राधिकरण कहा जाता है। प्राधिकरण मतलब होता है ऑथोरिटी। प्राधिकरण शक्ति है जो नैतिक स्तर पर उठाया गया है। प्राधिकरण मतलब शक्तियों का वैध अभ्यास जो नीचे से उत्पन्न होता है। हालांकि जब कोई शासन लोकप्रिय सहमति की परवाह किए बिना बल की मदद से शासन अभ्यास करती है, तो वैसे शासन को सत्तावादी शासन कहते हैं। ठीक है, जब कोई शासन व्यवस्था में फोर्स लगने लगे, यानी बल लगने लगे, तो उस शासन व्यवस्था को सत्तावादी शासन करते हैं। और ये सत्तावादी शासन जब भी होगा, वो आपका ऊपर से शासन होगा नीचे। ठीक है, और अगर आपका लोकतांत्रिक होगा, तो लोकतांत्रिक में नीचे वाले जो इकाई होगी उसको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, उसके बाद ऊपर वाले को दिया गया। जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों में हमारा पंचायत जो है वो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है। ठीक है,
और इस तरह की शासन व्यवस्था को हमेशा ऊपर से शासन करती है। सरकार की ऊपर से शासन की प्रथा राजशाही, निरंकुशता, पारंपरिक तानाशाही अधिकांश अधिकांश एकल पार्टी शासन और सैन्य शासन से जुड़ी हुई है। ये सभी सत्तावादी हैं जो विपक्ष और राजनीतिक स्वतंत्रता को दमन करते हैं। ठीक है, सत्तावादी शासन अधिनायकवादी शासन से अलग है। ठीक है, अधिनायकवादी शासन पूरी तरह से एक मॉडल सरकार के संदर्भ में आधुनिक तानाशाही को दर्शाता है। इसको दिमाग में रखिएगा, जो राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत पहलुओं का केंद्रीकरण करते हैं। 20वीं सदी की घटनाओं का वर्णन करें तो अंतर युद्ध काल के कट्टरपंथी तानाशाही शासन, इतालवी फांसीवाद, जर्मनी और रूस में राष्ट्रीय समाजवाद और स्टालिन और स्टालिनवाद इस तरह के शासन के उदाहरण हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि यद्यपि अधिनायकवादी शासन सत्तावादी है, ठीक है, अधिनायकवादी जितना शासन होगा सब जो है वो सत्तावादी है, लेकिन सभी सत्तावादी शासन अनिवार्य रूप से अधिनायकवादी नहीं है। ठीक है, जितने भी अधिनायकवादी शासन होंगे सब सत्तावादी होंगे, लेकिन सभी सत्तावादी शासन जो है वो अधिनायकवादी नहीं है। निसंदेह सत्तावादी शासन विपक्ष के दमन और राजनीतिक स्वतंत्रता से संबंधित है। हालांकि अधिनायकवादी शासनों के विपरीत इन शासनों का लक्ष्य कट्टरपंथी हासिल करना नहीं है, बल्कि राज्य और नागरिक समाज के बीच अंतर को मिटाने का लक्ष्य है। ठीक है, अधिनायकवादी जो शासन होता है उसमें मेनली जो है वो कट्टरपंथी विचार आ जाते हैं, लेकिन आपका इसमें जो है वो कट्टरपंथी विचारों को हासिल करना नहीं होता है, बल्कि राज्य और नागरिक समाज के बीच अंतर को मिटाने का लक्ष्य है। ठीक है, आई होप कि आप लोग 2 बार 3 बार वीडियो देखोगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जो मेन मेन पॉइंट्स है इसमें, वर्ड्स है, उसको सिर्फ दिमाग में रखिएगा और आपका पूरा का पूरा आंसर लिखा जाएगा। 2 3 बार 4 बार वीडियो देखिएगा, आराम से आपका लिखा आएगा। बहुत आसान भाषा में हम नोट्स बनाते हैं, इतनी आसान भाषा में नोट्स नहीं मिलेगा। फिर आपको पूरा का पूरा उस टॉपिक को किताब से 28 पेज, 20 पेज, 30 पेज पढ़ना पड़ जाएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तो इसलिए सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग सत्तावादी शासन की विशेषताओं को देखेंगे। सत्तावादी शासन की विशेषताएं क्या क्या है? तो सत्तावादी शासन में सार्वजनिक चर्चा द्वारा निर्णय लेने की तकनीक और मतदान बड़े पैमाने पर या पूरी तरह से सत्ता में रहने वालों के निर्णय द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है, मतलब जो आपका ऊपर में है, पावरफुल है, जो आपका शासन सत्ता में है, उसी पर सब कुछ निर्भर है देश का। वही जो करेगा सो करेगा, और कोई आवाज नहीं उठा सकता है सत्तावादी शासन में, नहीं तो उसको खत्म कर दिया जाता है। पहली विशेषताएं हैं कि सत्तावादी शासन पर्याप्त शक्तियों का प्रयोग करते हैं संवैधानिक सीमाओं की अवहेलना करके। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर कुछ है तो उसको कोई मान्यता नहीं है। जैसे कि आपका जो मिलिट्री रूल होता है, मिलिट्री रूल जब होता है तो क्या कहते हैं, संविधान की अवहेलना कर दी जाती है। सत्तावादी शासन में सत्ता में रहने वाले अपने अधिकार प्राप्त करने का दावा करते हैं, ना कि अनिवार्य रूप से और हमेशा शासितों की सहमति से, क्योंकि कुछ लोग यह दावा करते हैं कि उनके पास शासन सत्ता चलाने के लिए विशेष गुण है। ठीक है, जैसे शासन सत्ता में जो है वो जो है वो दावा करते हैं कि उनके पास अधिकार है कि वो सत्ता चलाएंगे, शासन सत्ता चलाएंगे, वो दावा करते हैं अनिवार्य रूप से। ऐसा नहीं होता है कि जो हमारे जो पब्लिक है वो सहमति उनको दे कि हाँ ठीक है आप शासन सत्ता चलाइए, ये नहीं होता है। वो दावा करते हैं कि फोर्सफुल्ली कि हम क्या कहते हैं, सत्ता चलाएंगे, क्योंकि
वो मानते हैं कि हाँ उनके पास जो है सो शासन सत्ता चलाने के लिए कुछ विशेष गुण है, ठीक है, कुछ विशेष गुण है जिसके कारण वो सत्ता चलाएंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सत्तावादी शासक बल का प्रयोग करते हैं और हिंसा को उत्पन्न करते हैं उन नागरिकों के खिलाफ जिनको शासन में कोई महत्व नहीं मिलता है। सत्तावादी शासन में कभी भी सरकार का बदलना या नेता का बदलना शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो सकता है। इस तरह के परिवर्तन या तो तख्ता पलट के साधन या क्रांतियों के परिणाम स्वरूप ही संभव हो सकते हैं। जैसा कि अभी करंट एग्जाम्पल में हम बताएं तो पाकिस्तान है, जहाँ इमरान खान जो है सो कर रहे हैं, संभव हो सकते हैं। अगर अफ्रीकी राष्ट्रों की सत्तावादी शासन की बात करें तो वहाँ तख्ता पलट सामान्य रहा है, ठीक है। चौथा पॉइंट, सत्तावादी शासन में दूसरे देश के साथ संबंधों में भी बल या शक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ऐसी शासन पद्धति लोगों की भागीदारी से नहीं बनती और ना ही लोगों के प्रति ये जवाबदेह होती है। जस्ट लाइक चाइना, चाइना जिस तरीके से भारत में जो है सो कर रहा है, तो ये यहाँ यहाँ जनमत का प्रभाव प्रभावी बिल्कुल नहीं होता और इस तरह की शासन पद्धति कभी भी अंतर्राष्ट्रीय शांति में मदद नहीं करती है। पांचवा, सत्तावादी शासनों की विशेषता निम्न और सीमित राजनीतिक लामबंदी है। नागरिकों के जन समूह का अराजनीतिकरण हो जाता है और कुछ अभिजात लोग शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं और इससे उनकी मानसिकता और चरित्र दर्शाता है कि वह सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कभी-कभी सीमित बहुलवाद के घटक उनका समर्थन करते हैं। दो पॉइंट और, छठा, लोकतांत्रिक शासन के विपरीत जो लगभग असीमित प्रतिनिधित्व करते हैं, संस्थागत रूप में बहुलवाद और सत्तावादी शासन सीमित प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है, जहाँ यहाँ पर जो है सो असीमित प्रतिनिधित्व रहता है लोकतांत्रिक में, सत्तावादी शासन में जो है वो सीमित प्रतिनिधित्व करते हैं, इनकी सीमाएं कानूनी या वास्तविक हो सकती हैं। सातवां पॉइंट, इसके अलावा ऐसे समूहों के माध्यम से राजनीतिक शक्ति कानूनी रूप से जवाबदेह नहीं है, तब भी जब यह नागरिकों के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। लोकतांत्रिक शासन के विपरीत जहां राजनीतिक ताकतें औपचारिक रूप से होती हैं और निर्वाचन क्षेत्रों के समर्थन पर निर्भर करते हैं। आई होप समझ में आ रहा हो, मेरे से जितना प्रयास मैं कर पा रहा हूँ उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। कमेंट बॉक्स में कृपया अपना फीडबैक जरूर देंगे। आप किस कॉलेज से देख रहे हैं इस वीडियो को आप बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जूनियर्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी कोई दिक्कत ना हो पीजी के कोर्सेज को कंप्लीट करने में, सिलेबस को कंप्लीट करने में। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में सत्तावादी शासन, ठीक है। अब जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 टू 1945, उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को आपका यूएनओ का गठन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सत्तावादी शासन कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ। सत्तावादी शासन ज़्यादातर विकासशील राज्यों में स्थापित किया गया है, जैसे लैटिन अमेरिका, मध्य पूर्व अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया के राष्ट्र में, ठीक है। पश्चिम के विकसित राष्ट्र जैसे स्पेन, पुर्तगाल और ग्रीस ने विश्व युद्ध के बाद की अवधि में इसे अनुभव किया। ये शासन पद्धतियाँ राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैचारिक कारकों से ज़्यादा सैन्य बल और व्यवस्थित दमन पर
निर्भर है। ये सैन्य शासन ज़्यादातर एक जुंटा के नियंत्रण में रहते हैं। जुंटा मतलब होता है मिलिट्री, मिलिट्री रूल, जिसमें सशस्त्र बलों के तीनों विंग के अधिकारियों के शासन शामिल होते हैं। जैसे अर्जेंटीना में 1978 से 1983 तक, और वर्तमान में म्यांमार में, जैसे म्यांमार में अभी जो है वो आपका मिलिट्री रूल है। हालांकि शासन के अन्य रूप भी हैं, जहां एक सैन्य समर्थित व्यक्तिगत तानाशाही स्थापित होता है। ऐसे मामलों में एकल व्यक्ति को सत्ता या शासन के भीतर प्रमुखता प्राप्त होती है, मतलब कोई एक व्यक्ति जो है वो शासन करता है, जो अक्सर करिश्माई सत्ता पर आधारित होती है। इस तरह की शासन पद्धति का उदाहरण कर्नल पापाडोपोलस द्वारा ग्रीस में, जनरल पिनोक्लाइट द्वारा चिली में, जनरल आबाचा द्वारा नाइजीरिया में, जियाउल हक द्वारा पाकिस्तान में, लेफ्टिनेंट जेरी रॉलिंग्स द्वारा घाना में, सार्जेंट सैम्यूल डोई द्वारा लिबेरिया में हुए हैं। ये सारे नाम्स को याद कर लीजिएगा, आपके आंसर राइटिंग में बहुत अच्छा काम करेगा। फिर भी इस तरह के शासन के अन्य रूप वह हैं जहाँ नागरिक शासन जीवित रहता है, मुख्य रूप से सशस्त्र बलों के समर्थन के कारण। मोबितो के नेतृत्व में जायरे, जो 1965 में एक सैन्य तख्तापलट से सत्ता में आए थे। इस तरह से हमें पता चलता है कि सत्तावादी शासन एक एक व्यक्ति या कुछ लोगों की शासन पद्धति है, जिसमें लोगों के अधिकारों का हनन किया जाता है। ठीक है, आई होप ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट सबको समझ में आया हो। अब कंक्लूजन की बात करते हैं, निष्कर्ष की बात करते हैं। सरकार अपने व्यापक अर्थों में किसी भी तंत्र का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके माध्यम से वह केंद्रीय स्तर पर निर्णय लेने और उन्हें लागू कराने की क्षमता रखता है। एक राजनीतिक शासन न केवल सरकार और संस्थानों के तंत्र के रूप में काम करती है, बल्कि यह संरचनाओं के माध्यम से परस्पर समाज में क्रिया भी करती है। राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्गीकरण हमें राजनीति और सरकार को समझने और मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है, यह हमें समस्याओं का विश्लेषण करने में भी मदद करता है। अंतर युद्ध काल में शासनों के वर्गीकरण की प्रकृति में प्रवेश देखा और मोटे तौर पर दो प्रकार के शासन सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत हो सकते हैं, एक लोकतांत्रिक और दूसरा सत्तावादी। प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाएं विकास की एक प्रक्रिया से गुजरी है, जो यूनानी शहर राज्यों से शुरू होकर आधुनिक राष्ट्र राज्यों तक आ पहुंचा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में तीन दुनिया का उदय हुआ राजनीतिक शासन के आधार पर। प्रथम विश्व उदार पूंजीवादी, दूसरा विश्व साम्यवादी, और तीसरी दुनिया लोकतंत्र है। विकसित विकसित राज्यों में लोकतांत्रिक शासन इस अर्थ में बहुसंख्यक है, क्योंकि वे आधुनिक प्रतिनिधि की संस्थाओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्य करते हैं। लोकतंत्र जो शासकों को नागरिकों के अधिकार, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखने के लिए हमेशा मजबूर करता है। विकासशील राज्यों में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में लोकतांत्रिक जातीय विविधताओं और सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन के कारण शासन काफी बाधाओं में रहा है। कॉन्फ्यूशियसवाद और इस्लाम कुछ विकासशील राज्यों के राजनीतिक शासनों को एक विशिष्टता प्रदान किया है। सत्तावादी शासन इस अर्थ में अलोकतांत्रिक है, क्योंकि इस तरह के शासन
लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानूनों को सीमित करते हैं। ऐसे शासन अयोग्य आज्ञाकारिता पर जोर देते हैं। हम अधिनायकवाद और सत्तावादी शासनों को अलग कर सकते हैं, क्योंकि अधिनायकवाद राज्य और नागरिक समाज के बीच अंतर को मिटाने का प्रयास नहीं करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि के दौरान सत्तावादी शासन, चाहे वह विकासशील या विकसित देशों में हो, मुख्य रूप से इनमें सेना की गुप्त या प्रत्यक्ष भूमिका स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ये आपका सत्तावादी शासन था। आई होप सबको समझ में आया हो। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप स्टूडेंट्स भी मेरा हेल्प कीजिए, मेरा मदद कीजिए। थैंक यू। मैं राजदेव गुप्ता, आई होप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई